स्टेशन पर काफी देर से खड़े हम परेशान हो रहे थे। अरे तो अच्छी मुश्किल में फंस गए भाई, ये नरेंद्र गया कहाँ? नरेंद्र हमारा दोस्त, वो ट्रेन से आने वाला था। आज हमारे एक प्रोग्राम था जिसके तहत हमें पंडित ध्रुजटी जी के यहाँ जाना था। वो मेरे पिता के मित्र और काफी तंत्र मंत्र और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। एक बार बातों ही बातों में ब्लैंकेट के बारे में उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि वास्तविक अनुभव वो कराएंगे, मगर उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है जिसके शरीर में आत्मा आ सके। तो नरेंद्र इस बात के लिए तैयार हो गया, क्योंकि नरेंद्र को इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो अनुभव करके देखना चाहता था यह सब होता है कि नहीं। अब ध्रुजटी जी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए एक टांग पर खड़े थे, और बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि ये प्रोग्राम बन गया। अब दूसरा कोई होता तो एक बार मना भी कर दिया जाता, मगर वो मेरे पिता के मित्र थे, अब नहीं जाते तो भी मुश्किल थी और जा भी नहीं सक रहे थे, अब किया क्या जा सकता था। मैंने सोचा एक बार फोन लगाकर फिर से नरेंद्र को देखता हूं, मगर फोन फिर से स्विच ऑफ। अब हम थक चुके थे, फैसला लिया कि जाके ध्रुजटी जी को बता दिया जाए कि भाई ये सब नहीं हो सकता। कि अचानक स्टेशन के बाहर एक काली एम्बेसडर कार आकर खड़ी हुई। मैं चौंक गया, ओह तो ध्रुजटी जी हमें खुद लेने के लिए आ चुके थे। क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा मित्र? मैंने कहा लगता है वो नहीं आ पाएगा। क्यों, क्या हुआ? अब उसका फोन भी बंद जा रहा है। चलो तुम भी लोग बैठो, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। हम सब उनकी कार में बैठकर उनके घर आ गए। घर में एक बहुत बड़ा सा कमरा था जिसमें लाल रोशनी थी। उसमें एक सामने एक टेबल था और कुछ चेयर। चेयर्स पर हमें बैठाकर वो चले गए और फिर प्लेट में ढेर सारी मिठाइयां लेकर आए। तुम लोग खाओ, मैं जरा संध्या वंदन करके आता हूं। हम लोग मिठाइयों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ध्रुजटी जी संध्या वंदन करके आ गए। चेयर पर बैठकर बोले, देखो अच्छा तो यही होता कि तुम्हारा मित्र भी आ जाता तो मैं तुम लोगों को करके दिखाता, मगर अब किया क्या जा सकता है। तभी विभू बोल पड़ा, अब आपने सुना है पंचमुंडी साधना की है, बहुत खतरनाक साधना होती है, आप उसी के बारे में हम बताइए ना। ये हो सकता है, चलो मैं बताता हूं। बहुत खतरनाक साधना होती है, शमशान में बैठकर किसी लाश के ऊपर बैठकर इसे करना होता है, साथ में भुने हुए चावल और शराब रखनी होती है, माँ काली की बहुत कठिन मंत्र का जाप करना होता है, रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक की साधना, बीच बीच में लाश जाग उठती है, तब उसके मुंह में भुने हुए चावल और शराब डालनी होती है, अगर चूके तो लाश तुम पर हमला करके तुम्हें जान से मार देगी। बताते बताते अचानक ध्रुजटी जी चुप हो गए। बाहर कोई चल रहा लगा ना? हम लोग भी चौके। हाँ सचमुच बाहर कोई था। दरवाजा खोलने पर हम सब चौके, अरे ये तो नरेंद्र था। ध्रुजटी जी का घर? आ हा यही है, आओ, क्या यही तुम्हारा मित्र है? जी जी, नरेंद्र को सब अंदर लेकर आए और उन्हें चेयर पर बिठाया। ध्रुजटी जी पूछा, तुम्हारा नाम? बुबुन। पता नहीं उसने अपना पेट नेम क्यों बताया। तो प्रक्रिया शुरू की जाए। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक मोमबत्ती जलाई गई, सबने अपना हाथ टेबल पर रखा। मेरा हाथ अचानक नरेंद्र को छू गया, बहुत ठंडा हाथ था। मैंने सोचा शायद पानी में भीग के आया इस वजह से ऐसा हुआ होगा। ध्रुजटी जी ने कहा, अब सब अपने किसी मृत व्यक्ति को याद करो। हम सभी याद करने लगे। अचानक उन्होंने कहा, क्या तुम यहां आ चुके हो? नरेंद्र बोल पड़ा, हा। तुम्हारा नाम? ना, ना, ना। मगर वो अपना नाम पूरा नहीं बोल सका। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? सवेरे
एक काली रंग के एम्बेसडर कार से टकराकर। ओह, तो तुम्हें बहुत तकलीफ है। हाँ, कमर टूट गई है, बहुत दर्द है। किसकी थी वो कार? आपकी। क्या नंबर? CG10 4848। थुरजटी जी अचानक चीख पड़े और बगल के ही जमीन पर गिर पड़े। हम सब चौंक उठे। नरेन हमें देख रहा था। उसने मुझसे कहा, दोस्त, जो तूने कहा था वो सब सच है यार। भूत प्रेत आत्माएं बुलाना, ये सब सच होता है। मगर अभी मैंने जो कहा वो भी सच था। अचानक कमरे में रखी मोमबत्ती बुझ गई। हम सब चौंक उठे। धुजेटी जी की जेब से गिरी हुई टॉर्च उठाकर मैंने जलाकर देखा तो उनके चेहरे फक पड़ा हुआ था और वो बेहोश थे। नरेन कहीं नहीं था कमरे में। हम लोग दौड़कर बाहर की ओर गए। दरवाजा खोलकर देखा तो वहां भी नहीं था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने उठाया तो उधर से मेरा दोस्त रविन था। तुम लोग कहां हो? जहां भी हो जल्दी आओ। क्या हुआ? आज सवेरे नरेन की एक कार से टकराकर मौत हो गई। क्या? हाँ, काले रंग की एम्बेसडर कार थी। हम लोग बस उसकी दाह संस्कार में ही जा रहे हैं। मैं चौंक उठा। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।